दोस्तों गुड मॉर्निंग आ चुका है 11 मई 2020 और देश के अलग अलग राज्यों से आशा और आंगनबाड़ी से संबंधित काफ़ी ज़रूरी खबरें निकल कर आ रही हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं आज की पहली खबर की तरफ। कोरोना ड्यूटी कर रही आशा कार्यकर्ता को प्रोत्साहन राशि एवं फ्री राशन, अपडेट निकल कर आ रही है मध्य प्रदेश के इंदौर से। जिला प्रशासन ने एक अभिनव पहल करते हुए कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए मैदानी स्तर पर कार्यरत आशा कार्यकर्ताओं के लिए प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। पूरे राज्य में यह अपने आप में अभूतपूर्व कदम है। आशा कार्यकर्ता मानदेय के आधार पर सेवाएं देती हैं। वे समुदाय को स्वास्थ्य रखने में, योजनाओं के क्रियान्वयन में, स्वास्थ्य संबंधी नई मान्यताओं को समुदाय में स्थापित करने में अपना सतत योगदान देती है तथा स्वास्थ्य विभाग और समुदाय के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करती है। इंदौर जिले की 489 आशा कार्यकर्ताएं कंटेनमेंट एरिया में लगातार कार्य कर रही हैं। वे उस सर्विलेंस दल का हिस्सा हैं जो प्रभावित क्षेत्र में सर्विलेंस के साथ साथ लगातार फॉलोअप का कार्य भी कर रही हैं। वे कोरोना के लक्षणों की जानकारी लेकर कोविड-19 ऐप में अपलोड कर रही हैं तथा समुदाय को इस बीमारी से बचाव की जानकारी भी दे रही हैं। आशा कार्यकर्ताओं के समर्पण के प्रति संवेदनशील कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने आशाओं की सेवाओं को सराहते हुए प्रत्येक आशा को 6,000 रुपए प्रति माह का अतिरिक्त मानदेय वितरित करने की घोषणा की, जिसमे से 15 दिन की कार्य अवधि के 3,000 रुपए उनके खाते में हस्तांतरित किए जा चुके हैं। साथ ही इन आशा कार्यकर्ताओं को राशन का निःशुल्क वितरण भी किया गया। इस हेतु जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में 10,23,000 रुपए की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। प्रशासन की इस पहल से आशाएं अत्यधिक प्रसन्न है तथा फील्ड में उत्साह एवं ऊर्जा से कार्य कर रही है। और दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है, बिहार के बेगूसराय से DBT के माध्यम से THR की राशि अब सीधे लाभुक के खाते में। आंगनबाड़ी केंद्र में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब THR की राशि सीधे लाभुक के खाते में भेजी जाएगी। इसकी मुकम्मल तैयारी कर ली गई है। इस योजना का लाभ पाने के लिए लाभुक आंगन ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं। शुक्रवार तक गढ़पुरा प्रखंड के 9,298 लाभुकों द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण कराया गया है और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। आंगनबाड़ी पर्यवेक्षिका पुष्पा कुमारी ने बताया कि यह राशि बच्चों के माता पिता के खाते में भेजी जाएगी, जबकि गर्भवती धात्री महिलाओं के खाते में DBT के माध्यम से राशि का अंतरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लाभुकों को जो सूखा राशन दिया जाता था उसके बदले अब उनके खाते में राशि भेजी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक आंगनबाड़ी को 19,185 रुपए मिलते थे। उस राशि से सेविका द्वारा राशन खरीद कर सेंटर पर बांटे जाते थे, लेकिन अब यह राशि सीधे लाभुक के खाते में डाल दी जाएगी। और दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है, राजस्थान के भरतपुर से पहले किया था प्रदर्शन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को मिलने लगा पोषाहार। अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को पोषाहार मिलना शुरू हो गया। SCDPO सुशीला देवी ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को नजदीकी राजकीय विद्यालय से पोषाहार का वितरण किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि पोषाहार नहीं मिलने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने रोष जताते हुए प्रदर्शन किया था। इसके बाद पोषाहार वितरण की व्यवस्था की गई है। और दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है, उत्तर प्रदेश के कासगंज से। कासगंज में आंगनबाड़ी केंद्रों से 3 दिन घर घर पोषाहार बटेगा। कोविड-19 कोरोना वायरस महामारी के दृष्टिगत शासन के निर्देश पर आंगनबाड़ी केंद्रों के लाभार्थियों को टेक होम राशन का डोर टू डोर वितरण किया जाएगा। पोषाहार के पारदर्शी वितरण के लिए प्रत्येक ग्राम सभा पर पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए। जिला कार्यक्रम अधिकारी अजय सिंह ने बताया कि जनपद में स्थित 2255 आंगनबाड़ी केंद्रों से डोर टू डोर पोषाहार का वितरण 12, 13 और 14 मई को किया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से लाभार्थियों को डोर टू डोर पोषाहार वितरण के लिए निर्देशित किया गया है। उन्होंने सभी बाल विकास परियोजना अधिकारी से कहा कि प्रत्येक आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को संबंधित पर्यवेक्षक से संपर्क कर निर्धारित तिथियों में पोषाहार वितरण करने के लिए निर्देश करें। और दोस्तों अगले अपडेट निकल कर आ रही है, उत्तराखंड के चंपावत से लॉकडाउन भत्ता और सुरक्षा किट देने की मांग उठाई। कोरोना संक्रमण से बचाव जागरूकता, क्वारंटीन में ड्यूटी दे रही आशा कार्यकर्ताओं ने सरकार से लॉकडाउन भत्ता और सुरक्षा किट देने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने SDM के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। आशा कार्यकर्ता संगठन के जिलाध्यक्ष सरस्वती पुनेठा ने SDM के माध्यम से भेजे ज्ञापन में कहा है कि कोरोना और लॉकडाउन के तहत आशाओं ने सबसे आगे रहकर कोरोना वॉरियर्स की ड्यूटी निभाई है। वह सभी गाँव के क्वारंटीन सेंटर में ड्यूटी दे रही है, लेकिन प्रशासन ने उनको सुरक्षा किट के नाम पर मास्क के अलावा सैनिटाइजर तक नहीं दिया है। उन्होंने आशाओं को 10,000 रुपए लॉकडाउन भत्ता, 50,00,000 रुपए का बीमा, सुरक्षा किट और 21,000 रुपए का मानदेय देने की मांग की है। तो दोस्तों आज मैंने आपको दी आशा और आंगनबाड़ी से संबंधित सभी मुख्य खबरें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को ठीक नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख
दिख रहा होगा, आप उसको दबाइए और दबाने के बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, आप उसको भी दबाइए ताकि इस तरह का हर नए वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।